अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों ने जो अभी आपके सामने जो सवाल किया है महोदय, ये सही में सदन की गरिमा है और इसको बहाल रखना सदन का काम है। महोदय, मैं भैया, हम ज्यादा टकवाट की नहीं करते हैं, थोड़ा सुनिए इतने। महोदय, कल जो सदन में 2022-23 का जो बजट सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं तो उसके पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। उसके पहले मैं महोदय, आज जो हमारे अमर शहीद अस्मरणीय बाबा तिलका मांझी, वीर बुद्धू भगत, सीतो कान्हो चांद भैरव, महान फूलो झानो, तेलंगा खड़िया, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय, शेख भिखारी, धरती अब्बा, बिरसा मुंडा, जतरा टाना भगत आदि को मैं सबसे पहले नमन करता हूँ। और महोदय, बजट के पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और बजट मैंने देखा भी, और ये बजट राज्य के लोगों के हित में है, सभी वर्गों को देखते हुए बनाया गया है। तो महोदय, बजट केवल आज ही नहीं, बिहार से जब हम बिहार में जब हम लोग थे, कई बार बजट पेश हुआ, और बिहार से झारखंड राज्य अलग होने के बाद 21 साल बीत गया महोदय, यहां भी कई बार बजट पेश किया गया। और ये बजट बनता है तो राज्य के लोगों के हित में, राज्य के लोगों के हित में सभी वर्गों को देखते हुए बनाया जाता है। लेकिन सही में अगर देखा जाए, राज्य अलग होने के बाद कुछ काम तो हुए हैं, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है महोदय। बहुत सारी योजनाएं अभी टाउनशिप इलाकों को छोड़ करके अगर आप देहात की ओर चले जाए, सुदूर इलाके में चले जाए, जंगलों में चले जाए, तो महोदय इसको कोई नकार नहीं सकता। इतने गरीब गरीब लोग हैं महोदय, किसी को अभी तक आवास नसीब नहीं हुआ। जंगल इलाके में आप जाएंगे, एक एक बच्चे को आप देखेंगे महोदय, ये कुपोषण से शिकार है महोदय। लोगों को दवा नहीं मिल पा रहा, लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही। आखिर ये बजट जो बनता है केवल टाउनशिप इलाके के लिए? आखिर दूरदराज इलाके में आज तक यह स्थिति क्यों है? 21 साल पार हो गया राज्य अलग होने के बाद। तो महोदय, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि कम से कम पूरे राज्य में जो खेतीहर लोग हैं, जो किसान हैं, आज खेत में पानी नहीं है। आज यहां के किसान, यहां के मजदूर, आप केरल चले जाए, भारी तादाद में यहां के लोग गए हुए, पंजाब चले जाए, वहां भी लोग गए हुए, लोगों का पलायन हो रहा है। तो महोदय, आज किसान के लिए सिंचाई का कोई सुविधा नहीं है, सिंचाई का कोई सुविधा नहीं है। और महोदय, आश्चर्य तो यह होता है कि राज्य अलग होने के बाद ज्यादा से ज्यादा समय यहां किसने शासन चलाया, कौन मुख्यमंत्री रहा? बीजेपी के लोग रहे। और इतने दिनों तक इन लोगों ने क्या किया? अभी सवाल उठाते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो महोदय, आपको भी सोचना चाहिए कि भाई, आप इतने दिनों तक आपने शासन चलाया, आप अपना भी देखें। और आज यही नतीजा है कि आज
देश की जनता ने, झारखंड की जनता ने आपको उखाड़ करके फेंक दिया, आपको विपक्ष में बैठाने के लिए मजबूर कर दिया। अभी माननीय हेमंत सोरेन से लोगों को बहुत सारी अपेक्षाएं, बहुत आशा है, विश्वास है, लेकिन समय पार होते चला जा रहा है। महोदय, अभी कोरोना के चलते 2 साल हम लोग बाधित रहे, सारा चीज बंद हो गया, और हेमंत सोरेन का धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने वैसी विषम परिस्थिति में भी जो बाहर के जो प्रवासी मजदूर थे उन लोगों को सही सलामत लाने का काम किया और भोजन दिलाने का भी काम इन्होंने किया। लेकिन इतना से ही नहीं हो जाता, अभी बहुत सारा चीज करना है। महोदय, आज हमारे लोग जो शहीद हुए, क्यों शहीद हुए, क्या क्या वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए नहीं, आज उसी के हम लोग खून है, उसी के वंशज हैं। आज हमारा जमीन लूटा जा रहा है, एक तरफ जमीन लूटा जा रहा है और दूसरे तरफ हमारा नौकरी भी लूटा जा रहा है। महोदय, आज यहां अंग्रेजों के साथ हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी, तीर धनुष के साथ लड़ाई लड़ी है, और उन्होंने अपने आप को बलिदान किया किसके लिए, आज यहां के आदिवासी, आज यहां के मूल वासियों के लिए। महोदय, तो महोदय आज इनका जमीन भी सुरक्षित नहीं है, और मैं इस बात को बराबर हर्षदम ने बोलता हूं कि जब जमीन रहेगा तो यहां के आदिवासी मूल वासी रहेंगे, उजर रहा है लोग। अभी जहां जहां कोयला खदान है, ECL, CCL, BCCL, जहां भी है, गरीब लोग उजर रहे हैं। अभी गांव नहीं मिलेगा, वो लोग कहां चले गए, इसका कौन सर्वे किया कि माइंस के चलते इतने इतने आदिवासी मूलवासी जो उजर गए वो कहां चले गए, और उसके अलावे बाहर से लोग आए, और आज माइंस के बाद जो जमीन उसकी बची हुई थी उस जमीन पर भी वो लोग दावा बोल दिया, उसके पास गुंडा है, पुलिस भी उसको मदद कर रहा है। महोदय, अभी मैं बता रहा हूं, ये आपका बी आई टी मिश्रा में एक कमिटी जो हम लोग की बनी है, स्पेशल कमिटी, उसमें हम लोगों ने उन लोगों को बुलाया था, वो लोग बता नहीं पा रहे हैं कि ये जमीन हम कितना दूर तक लिए हैं, कोई डिमार्केशन नहीं है, और बाद में फिर बोलता है इतना 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 प्लॉट हम लोग पहले अधिग्रहण किए थे और उसके बाद और भी आगे जमीन हम लिए हैं। कौन है वो जमीन लेने वाला, कैसे लिया, और अभी तक उसका डिमार्केशन नहीं हुआ, उस पर बाउंड्री नहीं दिया गया, और अभी रांची डीसी ने आदेश दिया है बाउंड्री करने का, पुलिस फोर्स वहां भेजने का काम डीसी ने आदेश दिया है। महोदय, तो महोदय इस तरह से आदिवासी, गैर आदिवासी, मूलवासी लोगों का जमीन अगर कोई घेर लेगा, कहां लोग जाएंगे, क्यों, इस पर कानून है, जब यहां पर CNT एक्ट है, क्या कोई सेलेबल है और वो बोलता है मैं इस जमीन को खरीद लिया हूं, कौन देखेगा। आज यहां का डीसी बेपरवाह है। आप बहुत, मैं सरकार से आग्रह करूंगा ये डीसी को और सीओ को टाइट करे, वो देखे क्यों जमीन का हस्तांतरण हो रहा है, सादा कागज में जमीन खरीदा जा रहा है, इसी के लिए हम लोगों के पूर्वजों ने बलिदानी दी है क्या। महोदय, मैं आपसे आग्रह, आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मैं कहना चाहता हूं कि आप इसका कानून का इंप्लीमेंट करिए, और कौन आदमी है जो वहां जबरदस्ती करता है। अभी धनबाद चले जाओ, बोकारो चले जाओ, गिरिडीह चले जाओ, रांची हर जगह देखिए, यहां माफिया लोग अलग से पुलिस बंदूक के बल पर केस करने के नाम पर लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। तो महोदय, जमीन बचेगा तो यहां के लोग बचेंगे। आज यहां SPT एक्ट है, आज CNT एक्ट है, ये यहां के लोगों का बहुत बड़ा कवच है, बहुत बचाव कवच है, लेकिन इस CNT एक्ट में भी छेड़छाड़ हो रहा है। हम दूसरा एक्ट नहीं मानना चाहते, हम चाहते हैं कि यहां पर जो CNT एक्ट है और SPT एक्ट है इसका सही तरीके से इसका अनुपालन हो, तभी यहां का लोग बचेगा। एक तरफ जमीन लुटा रहा है और नौकरी भी लुटा रहा है, आज हम लोग हल्ला कर रहा है पूरे गांव में, शहरों में अभी रैली निकाला जा रहा है स्थानीय नीति के नाम पर। कब बनेगा स्थानीय नीति, मैं आज आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं
कि जो स्थानीय नीति रघुवर दास ने बनाया था उस स्थानीय नीति को आप रद्द करो और नया स्थानीय नीति बनाओ। और स्थानीय नीति नहीं बनाओगे तो किसको आप डिफाइन करोगे कि यहाँ का स्थानीय है। महोदय आज यहाँ पर नौकरी के नाम पर आज यहाँ पर स्थानीय नीति नहीं बनेगा। अभी लोग सोए नहीं है, अभी लोग जाग गए हैं। कल दुमका में जबरदस्त रैली हुआ, साहेबगंज में रैली हुआ, हर जगह रैली हो रहा है। अधिकार मांग रहा है, वो अधिकार मांग रहा है कि स्थानीय नीति डिफाइन करो। आज तक स्थानीय नीति ही बन पा रहा है, कौन बनाएगा, कौन है इसका जिम्मेदार? स्थानीय नीति बनना चाहिए। महोदय नियोजन नीति उन्होंने जो बनाया था तत्कालीन सरकार ने, उस नियोजन नीति का रद्द होना चाहिए। नियोजन नीति रद्द होगा, स्थानीय नीति बनेगा। आज यहाँ का नवयुवक, यहाँ के युवतियों को थर्ड ग्रेड छोड़ दिया। हम कोई इंजीनियर की बात नहीं करते, हम कोई IAS IPS की बात नहीं करते, हम कोई डॉक्टर का बात नहीं करते। आज यहाँ थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड में यहाँ के बेटा और बेटियों को नौकरी नहीं मिलेगा, बाहर के लोगों को नौकरी मिलेगा, कैसे लोग बर्दाश्त करेगा? महोदय तीर चलने का समय आने वाला है मुझको लगता है। अगर सरकार इसको इंप्लीमेंट नहीं किया, चलेगा तीर चलेगा। महोदय जब हमारे लोगों ने अंग्रेजों के साथ हिम्मत करके साथ बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ा है तो आज भी हम लोग लड़ने के तैयार है। गजब का बात है। और एक तरफ से नियोजन नीति रद्द हो, नया नियोजन नीति बने। माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं बनाएंगे बनाएंगे, हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन कब बनाएंगे? इसका डेडलाइन क्यों नहीं तय हो रहा है? क्यों नहीं इसका डेडलाइन तय हो रहा है? आज भाषा के नाम पर लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ये झारखंड गर्म होने जा रहा है भाषा के नाम पर और स्थानीय नीति के नाम पर। महोदय आज यहां पर SPT Act इतना सशक्त है, सबल है, मजबूत है, लेकिन क्या कर रहा है आपका अधिकारी? ये कौन कर रहा है, लूट करवा रहा है? मान सरकार आप भी जिम्मेवार हैं। मैं स्पष्ट बता रहा हूं, आप राज्य अलग होने के बाद सबसे पहले ज्यादा शासन आप लोगों ने चलाया, आप लोगों ने सरकार चलाया है और आप लोगों ने शुरुआत किया है। इसको आपको गंभीरता से सोचना पड़ेगा, इसको तो ईमानदारी से आपको बोलना पड़ेगा कि हमसे गलती हुई है। हम सारे लोग उसी के वोट से हम लोग जीत के आते हैं, जो देहात में रहते हैं, गांव में रहते हैं, बदन कपड़ा नहीं है, एक टाइम खाया है नहीं खाया, वही लोग वोट देते हैं। आज हम लोग यहाँ आए, ये सौभाग्य की बात है। राज्य अलग हो, हमारे माननीय गुरु जी शिबू सोरेन के आंदोलन पर कितने लोग जेल गए, कितने लोग मां बहनों का सिंदूर मिट गया, चूड़ी टूट गया। आज वैसे लोगों को कौन देखेगा? आज हम लोग, मैं निष्पक्ष होकर बात करना चाहता हूं और सारे लोग को इस पर हम लोग को भील बैठ करके हम लोग इसका निराकरण करना चाहिए। और आज आप वहां है, आप इधर आप खेल रहे हैं, इधर आप खेल रहे हैं। आज दिन को भी रात बोलते हैं, रात को भी दिन बोलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। महोदय आज अभी हम लोग विधायक हैं, यहाँ राज्य में विकास का काम नहीं होगा। अभी माननीय सुनिए ना, आप लोगों ने बहुत घोषणा किया था, आप लोगों ने बहुत घोषणा किया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, इन्होंने भी बहुत घोषणा किया था, तो क्या इसका इंप्लीमेंट होगा? वादा किया तो निभाना पड़ेगा। तो महोदय आज निश्चित तौर पर जल जंगल जमीन पर रहने वाला यहाँ का आदिवासी बोलवासी उजड़ रहा है, जाके देख लो उजड़ रहा है या नहीं उजड़ रहा है। ये विरासत में मिला हुआ चीज आज जंगल उजड़ रहा है और जिसके चलते आज यहाँ का पर्यावरण खराब हो रहा है। समय पर बारिश नहीं हो रही है, आज यहाँ पर खेती नहीं हो रही है, आज हमारे लोग चले जा रहे हैं, आसाम चले जा रहे हैं, पंजाब चले जा रहे हैं, हरियाणा चले जा रहे हैं और अन्य प्रदेशों में चले जा रहे हैं। ये व्यवस्था हम लोग को करना पड़ेगा, ये व्यवस्था सरकार को करना पड़ेगा। किसान खुशहाल होगा, ये गांव का देश है और यहाँ लोग खेती करते हैं तभी हम लोग को अनाज मिलता है। तो बहुधा इन लोगों के लिए अलग से निश्चित तौर पर यहाँ पर विस्थापन आयोग बनना चाहिए। अभी तक कितने लोग बेघर होकर चले गए,
कहां चले गए, कौन उसका रख रखाव करेगा, कौन उसका हिसाब किताब लेगा, सरकार को भी ये पता नहीं। कितने लोग गांव घर छोड़ करके मांग से ECL, CCL, BCCL और इतना अभी पहाड़ी इलाके में जितना धड़ल्ले से जो चल रहा है माइंस, आज यहाँ का पत्थर BCCL हो गया तो आज यहाँ धड़ल्ले से पत्थर निकाला जा रहा है। हमारे हमारे देहात में धान कटने के बाद रबी फसल होता है, गेहूं होता है, मकई होता है, बहुत सारा चीज चना होता है, और पहाड़ में पहाड़ियां प्रीमिटिव प्राइस के लिए वहां घास वृक्ष है, फल है, फूल है, उसी में पैसा है, लेकिन पत्थर माइंस के चलते लीज है, छोटा सा पॉइंट जगह, छोटा सा जगह लोग लीज करा लेता है और जहां चाहता है वहां पत्थर खोद करके बर्बाद कर दिया, गड्ढे बने हुए हर जगह, गड्ढा भरा हुआ, कोई भी उसको अलग से उसको भर करके कहीं घास रोपने का काम नहीं किया। ये हम लोग को विरासत में मिला, पहाड़ उजड़ रहा, आखिर कौन देखेगा इसको? आप लोगों ने नहीं देखा, आप लोगों ने तो शुरू कराया, और अभी भी मैं हेमंत सोरेन से आग्रह करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री साहब के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि इस पर ध्यान दे, ऑन द प्रिमिटिव प्राइस खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। महोदय बहुत अभी महोदय ये बजट है, महोदय कोरोना काल के बाद स्वास्थ्य पे 27% है, पेयजल पर 20% है, शिक्षा पर 6.5% है, और गरीबों के खाद पर खाद्यान्न पर 21% है। महोदय पिछले वित्तीय वर्ष से 11% वृद्धि किया गया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये धरातल पर उतरना चाहिए। अभी यहाँ पर इतना ज्यादा घुसखोरी पहले से आ रहा है, फोन दिया उसको घुसखोरी पैसा लेने का गरीब लोगों से, बिना पैसा का काम नहीं होता। महोदय अभी 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 आवास बन रहा है लोगों का, अभी आवास बन रहा है प्रधानमंत्री आवास, लेकिन लोगों को बालू नहीं मिल रहा है, कैसे बनाएगा? हमने तो जाके देखा, गांव में देखा, दीप और के रखा, ईटा भी लाया, बालू के बिना काम नहीं हो रहा है। तो इसके लिए सरकार को तो हिसाब किताब लेना चाहिए कि भाई आखिर बालू नहीं रहेगा। महोदय महोदय बहुत करोड़ों का बजट बना महोदय, लेकिन सुदूर इलाके में गांव में जंगल की तराई में रहने वाले लोगों का जिंदगी ज्यों का त्यों है। महोदय राज्य अलग हुआ है, कैसे राज्य विकसित होगा? आज एक एक किसान को पानी मिलेगा, एक एक गरीब बच्चे को शिक्षा के लिए स्कूल जरूरत है। महोदय यहाँ इतने लोग विस्थापित हो गए, विस्थापन आयोग नहीं बना, कौन बनाएगा? आप लोगों ने तो बनाया नहीं, और अगर हेमंत सोरेन भी माननीय मुख्यमंत्री भी अगर ये विस्थापित आयोग नहीं बनाएगा तो आने वाले समय में हम लोगों को खोजने से कहा नहीं मिलेगा, कहां चलेंगे, नहीं चलेंगे। महोदय ये 1932 का खतियान का पर्व पूरा जगह रैली हो रहा है, स्थानीय नीति, इसे हम बार बार बोल रहे हैं कि हम बार बार आपके माध्यम से मैं सरकार को संज्ञान में देना चाहता हूं, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। निश्चित तौर पर आप स्थानीय नीति का समय सीमा तय करिए, और महोदय अभी नौकरी में रोस्टर रजिस्टर कहीं नहीं है। आज अभी हमारे जिला में कितना बैकलॉग है किसी को पता नहीं, सरकार बतावे तो कि हर जिला में आरक्षण। महोदय ये कमजोरी सरकार की है महोदय, चाहे पूर्ववर्ती सरकार की हो, और अभी ये हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हम इसको बहुत सम्मान देते हैं कि बहुत दिनों के बाद राज मिला है, राज मिलने के बाद सरकार में हम लोग आए हैं। आज यहाँ के लोगों का जमीन छीना जाएगा, यहाँ के लोगों का नौकरी छीना जाएगा, इसीलिए हम लोग सरकार बनाए क्या? महोदय ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं महोदय ये बहुत
धड़ल्ले से जमीन बिक्री हो रही, बहुत धड़ल्ले से जमीन बिक रही है, और धीरे धीरे हमारे लोग विस्थापित होकर के कहां ना कहां कहां ना कहीं कहीं चले जा रहे हैं। महोदय, आज ये अस्थायी नीति बने और पैसा एक्ट, आज तक पैसा एक्ट क्यों यहां लागू हुआ? पैसा एक्ट में ग्राम सभा को बल मिला है, आज ग्राम सभा नहीं हो रहा, पैसा एक्ट लागू नहीं हो रहा है। और जहां तक हमको मालूम है कि ये केंद्र सरकार ने पैसा एक्ट दिया, समय रहते अगर कोई भी सरकार ने अगर इसको लागू नहीं किया तो वो स्वतः लागू हो जाएगा। तो बहुत आइए शेड्यूल एरिया में, शेड्यूल एरिया में ग्राम सभा मस्त है, कोई भी ठीक है, डेवलपमेंट के नाम पर आप पैसा देते हैं। पंचायत चुनाव क्यों हो रहा है? क्या शेड्यूल एरिया में पंचायत चुनाव करने का कोई नियम है क्या? कोई नियम नहीं है, लेकिन यहां अधिकारी लोग बैठ करके, और मैं तो साफ स्पष्ट कहूंगा कि यहां कार विधायिका में कार्यपालिका भी है। मैं एकदम चैलेंज के साथ बोलता हूं, विधायिका में कार्यपाली हावी हो चुका है, ये कौन देखेगा? महोदय, मैं पत्थर तो लुटाइए रहा है, आप लोगों से शुरू हुआ है, पत्थर लुटा रहा है, धड़ल्ले से लुटा रहा है, बिना चालान का जा रहा है। मान्य सदस्य, तो महोदय प्लीज डोंट मर्मरिंग। और आज यहाँ झारखंड से केंद्र सरकार को 85% रॉयल्टी हम लोग देते हैं। और मैं आप विपक्ष वालों से कहूंगा कि आप भी और हम भी एक रेजुलेशन ले कि भाई यहां से 85% जो सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग रॉयल्टी देते हैं उसका पैसा हमारा उसमें हिस्सा है कि नहीं, और हिस्सा है तो फिर क्यों नहीं मिलता झारखंड को? आप लोगों को भी गंभीर होना पड़ेगा, तभी यह झारखंड आगे बढ़ेगा। महोदय, मैं पुनः इस बार को बार बार मैं दोहराता हूं, और जब तक रहूंगा ये सरकार को मैं कहता रहूं कि यहां पर एसबीटी एक्ट सीआईटी एक्ट सख्ती से लागू। और मैं तो यही कहूंगा कि आप बैठे न रहे, माननीय हेमंत बाबू आप बैठे न रहे, यूं जमीन पर बैठ के क्यों सिर्फ आसमान देखते हैं? यूं जमीन पर बैठकर क्यों सिर्फ आसमान देखते हैं? पंखों को तो अब तो खोलो, झारखंडी युवा अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। महोदय अभी बोलिए, आप बोलिए, हो गया। महोदय नगर पालिका, महोदय अभी इसी सरकार में नगर पालिका बढ़ा है महोदय 10 किलोमीटर के रेडियस में। आप 10 किलोमीटर के रेडियस में नगर पालिका आखिर लाया कौन? क्या पार्लियामेंट में कानून बना है क्या? पार्लियामेंट में कानून नहीं बना और यहां नगर पालिका शुरू हुआ और इसको अभी 10 किलोमीटर के रेडियस में बढ़ाया गया। तो 10 किलोमीटर के रेडियस में जितने गांव आएंगे, जो गांव का संरचना है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, अलग से वहां के गरीब लोगों को टैक्स लगेगा। मैं अगले बार भी इसका विरोध किया हूं कि आप इसको रद्द करो, यहाँ के लोगों के हित में, यहाँ के आदिवासियों के हित में, यहाँ के मूल वासियों के हित में। ये नगर पालिका जो 10 किलोमीटर बढ़ाया गया है, इसको निश्चित तौर पर ही रद्द होना चाहिए, और हमको पूरा विश्वास है हो सकता है अधिकारी ने उल्टा पुल्टा पढ़ा करके इनको ऐसा किया गया है। महोदय निश्चित तौर पर ये रद्द होना चाहिए और पैसा एक्ट लागू होना चाहिए। पैसा एक्ट लागू होगा, ग्राम सभा सशक्त और सबल बनेगा, अपना योजना अपने से बनाएगा, और गांव का संरचना बिल्कुल जैसा था वैसा रहेगा, मजबूत रहेगा। महोदय अभी यहां बहुत तरह की बातें हैं, महोदय सिर्फ टाउन इलाका में भी जो हो रहा है अच्छी बात है, मैं नहीं चाहता कि वहां विकास नहीं हो, लेकिन आज हमारे गरीब बच्चे आज चाहे मेडिकल कॉलेज हो चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, यहाँ व्यवसायिक शिक्षा है ही नहीं। आज यहाँ पर पढ़े लिखे लोग
आज हमारे लोग जो पंजाब में जाके खरीद सकते हैं, केरल में जाके खरीद सकते हैं, क्या उसके लिए हम लोग यहाँ व्यवस्था नहीं कर सकते हैं क्या? हमारे चारों तरफ गंगा नदी है, आज क्या वहां से पानी हम लोग नहीं ले जा सकते? आज अडानी पावर प्लांट कितना दूरी है साहबगंज, वहां से अडानी पावर प्लांट वहां से पानी जब ला सकता है तो क्या गंगा से हम किसान को लिए पटवन के लिए हम पानी नहीं दे सकते क्या? इच्छा शक्ति होनी चाहिए और बहुत विश्वास के साथ, बहुत आशा के साथ अभी सरकार बनी है, गठबंधन की सरकार बनी है और लोगों को विश्वास है, उम्मीद है कि यहाँ का विकास होगा। 2 साल तो पार हो गया, 2.5 साल करीब करीब पार होने जा रहा है। महोदय बहुत कम समय है और बहुत भारी भरकम बजट है, ये बजट धरातल पर उतरे और हमको पूरा उम्मीद है कि नौजवान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इसको उतारने का काम करेंगे। कोरोना काल में तो बहुत बहादुरी के साथ इन्होंने काम किया, बट थोड़ा सा और इसको शक्ति से एसपीटी एक्ट को लगाओ और पैसा एक्ट को लागू करें और ये गुरुजी का सपना यही पूरा करेंगे, उसके खून है। लेकिन महोदय अभी देहात में अभी पेयजल की समस्या, चापाकल, आज तक हम लोग देहात में गरीब लोगों को पानी नहीं पिला पाए, बहुत शर्म की बात है। आप लोगों ने तो चापाकल बंद कर दिया था, जो विधायक कोटा का 5-5 चापाकल होता था आप लोगों ने बंद किया। मैं हेमंत सोरेन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इन्होंने फिर सारे विधायक को एक एक पंचायत में 5-5 चापाकल देने का काम किया। अरे भाई आप लोग क्या कर रहे थे यार, 5 साल इतना सालों तक चापाकल आपने बंद कर दिया था, इसको तो सोचिए, इसको तो स्वीकारिए, क्यों बंद किया आज चापाकल? महोदय ये चापाकल और अभी मैंने प्रत्येक साल मान्य सदस्य अमर बाबू ऐसा नहीं करते, आप मंत्री रह चुके हैं राज का, बोल रहे हैं बैठे बैठे हर बात को काउंटर करना ठीक बात नहीं है। समय नहीं, ये आपके, आप इसको नहीं समझ रहे हैं, इसको आप समझिए कम से कम, ऐसा नहीं करिए, बोलने दीजिए। महोदय अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री अभी यहाँ नहीं है सदन में। महोदय कुछ लोग हैं, मैं सही हूं तो सही हूं, कुछ लोग हैं जो हमें गुर्रा के दिखते पता नहीं, लेकिन महोदय फिर भी मैं ये बोलना चाहूंगा, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला जिंदा है, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला जिंदा है, हम वो है जहां मुश्किलें शर्मिंदा है। महोदय मेरे मुझको परवाह नहीं है, मैं सही मशवरा देना चाहता हूं, मैं सही सुझाव देना चाहता हूं, मैं अपने लिए नहीं बोलता हूं, मैं यहां के लोगों के लिए ये मौका मिला है, इसका सदुपयोग होना चाहिए। बहुत है और बहुत गंभीर ही बात है कि यहाँ एसपीटी एक्ट सीएनटी एक्ट रहते हैं, पदाधिकारी क्या कर रहे हैं, या कमिश्नर क्या कर रहा है, या डीसी क्या कर रहा है, ये जमीन लुटा रहा है। महोदय क्या सेम करिएगा, आपके समय में तो बहुत लूट हुआ, इस चीज को स्वीकारिए यार, क्या आपके क्षेत्र में गरीब लोग नहीं है क्या? महोदय मैं इस बात को बार बार दोहरा रहा हूं, ये जमीन बचेगा यहां पर मूलवासी आदिवासी बचेगा, जमीन इतना धड़ल से बिक रहा है और वो भी 1 कट्ठा 2 कट्ठा नहीं, 10 एकड़ 25 एकड़ में जो बाहर के लोग ले रहे हैं, जो अदर स्टेट के लोग हैं, आज यहां पर 25 एकड़ 20 एकड़ जमीन घेर घेर करके रखा हुआ है और उसी जमीन को ये लोग बेचेगा 10 गुना दाम में बेचेगा और नहीं तो वहां उद्योग भी। अभी महोदय ये रामगढ़ में वो जो वहां पावर सब स्टेशन, महोदय वहां जो बगल में जो गांव है वहां पर कितने लोगों को कंपनसेशन अभी तक नहीं मिला, इतना साल हो गया लोगों को कंपनसेशन नहीं मिला, लोगों को नौकरी नहीं मिली। कल लोग आए थे और उन्होंने लिस्ट दिखाया, 242 आदमी का नाम है इसमें महोदय, और उन लोगों को नौकरी के नाम पर बोला कि आप लोग आवेदन देना, आवेदन रह गया
किसी को नौकरी नहीं मिली, और वहां जो जो भी लोग आए हैं सब बाहर के लोग आए, कौन चिन्हित करेगा, कौन चिन्हित करेगा ऐसे लोगों को? महोदय मैं पूरा विश्वास के साथ, हमको यकीन है, हमको विश्वास है कि निश्चित तौर पर मैं आपके माध्यम से सरकार को संज्ञान में देना चाहता हूँ। वैसा वैसा बहुत गांव है, अभी यहाँ पर जो स्पेशल कमेटी बनी है, अभी आप देखेंगे सारे जिला से हर तरह से लोग आए हैं, और हम लोग पास इतना इतना पोथा बन गया है, इतना जमीन सैली हुआ है, गलत तरीके से हुआ है, अजीब सा बात है। अभी हम लोग आवेदन को देख करके हैरत पड़ जाते हैं, और जगह जगह से डीसी लिखता है कि हमारे जिला में ऐसा केस मेरे पास नहीं आया है, आश्चर्य है। तो महोदय मैं ज्यादा ज्यादा बोलने वाला नहीं हूं, महोदय मैं सिर्फ तो सिर्फ यहाँ के नौजवानों को थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड में नौकरी मिले, जिसके लिए सरकार को स्थानीय नीति तय करना पड़ेगा, और यहाँ जो जो भी नौकरी हो लेकिन थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड की बात है मोदी, और नियोजन नीति इसको रद्द करें। माननीय सदस्य यहाँ पर कुछ नहीं, हम ज्यादा कुछ नहीं मांगते, यहाँ पर जमीन हमारा कैसे सुरक्षित रहेगा, जमीन मेरा कैसे, अगर आज सड़क नहीं भी बना, दो साल तीन साल पांच साल के बाद बनेगा, बिजली नहीं भी बना कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा जो जमीन उजड़ रहा है इसको बचाने का जरूरत है। आस्था नीति बने और पैसा एक्ट लागू हो, और नगर पालिका जो बढ़ाया गया है वो रद्द हो, और शेड्यूल एरिया में पंचायत चुनाव रद्द हो। महोदय ज्यादा समय नहीं लेते हुए पुनः आपसे के माध्यम से मैं सरकार को संज्ञान में देना चाहता हूं, इतना काम करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर हम लोगों को उधर जाना पड़ेगा। आप नहीं किए तो आप उधर चले गए ना, तो हम लोग भी अगर नहीं करेंगे तो फिर उधर जाना पड़ेगा। महोदय यहां जो टीएससी है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, महोदय ये तो फुटबॉल बन गया, गवर्नर हाउस से राज्य सरकार के तरफ और राज्य सरकार के तरफ गवर्नर हाउस तरफ, आज तक एक भी यहाँ के आदिवासी मूलवासी का केस टीएससी में फैसला टीएससी नहीं गया। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये टीएससी यहाँ के आदिवासी मूलवासी के लिए बना है, अभी तक हमको नहीं लगता कि टीएससी कितने मेंबर हुए, कितना बैठक हुआ, कितना टीएससी में केस गया, पता नहीं। मैं सरकार से आग्रह करूंगा निश्चित तौर पर टीएससी का पुनर्गठन हो, और जिसका जिसका जैसा भागीदारी है वो उस पर रहे। आज टीएससी इतना इंपॉर्टेंट चीज, दो साल से अभी तक ये फुटबॉल की तरह इधर से उधर इधर से उधर हो रहा है, क्या लोग नहीं देख रहे हैं? तो महोदय ज्यादा समय मैं नहीं लेते हुए पुनः आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमें बोलने का वक्त दिया है। महोदय इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। माननीय सदस्य, माननीय श्री सदस्य श्री सीपी सिंह जी।